नमस्कार, मैं नवनीत कौर, टीजीटी मैथ, शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की एजुकेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है, उनके सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बच्चों, आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए भाग दो में हम दंडालेख और दोहरा दंडालेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दंडालेख और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बच्चों, दंडालेख से आंकड़ों को प्रदर्शित करना आसान हो जाता है। ये जो छठी कक्षा में आपने चित्रालेख और दंडालेख दोनों के बारे में पढ़ा था, परंतु चित्रालेख की तुलना में दंडालेख बनाना सरल है और उसकी तुलना करनी सरल है। दंडालेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई वांछित सूचना दर्शाती है। दंडालेख समान चौड़ाई के दंडों द्वारा संख्याओं या आंकड़ों का निरूपण है तथा दंड की लंबाई बारंबारता और चुने गए स्केल पर निर्भर करती है। एक दंडालेख में संख्याओं को इकाइयों में दर्शाना होता है। तो चलिए देखते हैं दंडालेख की मदद से हम किस प्रकार से तुलना करते हैं और किस प्रकार से हम दंडालेख बनाते हैं। ए बी सी से जीते गए मैचों की संख्या को दंड आलेख से दर्शाएं। तो इसमें हम दंडालेख बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्केल की मदद से x अक्ष दर्शाएंगे, उसके बाद हम y अक्ष बनाएंगे। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे पर लंबवत हैं। x अक्ष यानी क्षैतिज रेखा और y अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। अब x अक्ष पे हमने बराबर गैप पर हमने पॉइंट्स लगा लिए हैं, इसी प्रकार y अक्ष पर भी, और उन्हें संख्याओं से दर्शा दिया है। इसमें हमने एक इकाई बराबर एक बच्चा लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसमें एक इकाई बराबर एक बच्चा लिया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें एक अंक की संख्याएं दे रखी थी तुलना में। अब हमने देखिए ए, बी और सी टीमों के नाम जो हैं वो भी हमने गैप में लिखे हैं। टीम ए, उसके बाद हमने बराबर दूरी छोड़ी है, फिर टीम बी, फिर बराबर दूरी छोड़ी है, फिर टीम सी। अब हम टेबल की मदद से, जो सारणी हमें दी गई है उसकी मदद से ग्राफ बनाएंगे। देखिए ए में हमें चार मैच दे रखे थे जो उसने जीते हैं, तो हमने यहाँ पे एक आयत के आकार का दंड बना दिया है। ए से होता हुआ चार तक हमने दंड बनाया है। उसके बाद बी ने तीन मैच जीते थे, तो हमने यहाँ पे आयताकार दंड बना दिया है। और सी ने जीते थे पांच मैच। तो इस प्रकार से हम दंडालेख बनाते हैं। और देखिए इसकी तुलना करनी कितनी आसान हो जाती है। एक बार फिर से कि ग्राफ यानी दंडालेख की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक सारणी ले रखी है। इस सारणी में पांच कक्षाएं दे रखी हैं और उनकी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। कक्षा 6 में 70 बच्चे हैं, कक्षा 7 में 60 बच्चे हैं, कक्षा 8 में 40, फिर 9 में 70 और 10 में 100। इस प्रकार से कुल बच्चों की संख्या 340 है। अब मुझे इसको एक दंड आलेख से दर्शाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक स्केल लेंगे। इस स्केल से बच्चों ध्यान देंगे आप, इस स्केल से हम एक तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स अक्ष, सबसे पहले हम लेंगे क्षैतिज रेखा जिसे हम कहेंगे एक्स अक्ष। तो यहां पे मैं एक क्षैतिज रेखा ले रही हूं जिसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, और इसके बिल्कुल लंबवत एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे जिसे हम कहेंगे वाई अक्ष। देखिए हमने क्या किया है, क्षैतिज रेखा ली है एक्स अक्ष पे और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने कहा है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें हम कहते हैं मूल बिंदु जीरो। इसको हम जीरो से दर्शाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, स्केल की मदद से वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या लेनी है। इसमें हम माप कर कुछ कुछ इकाई के गैप पे, बराबर इकाई के गैप पे हम मार्क कर लेंगे इनको। जैसे इसमें हमें लेना है 100 तक, तो मैं यहाँ पे पहले मार्क कर रही हूं।
अब इसी प्रकार से यहां भी हम बराबर इकाइयों का गैप ले लेंगे। जैसे मैं यहां ले रही हूं एक इकाई का गैप ले रही हूं, एक एक सेंटीमीटर या दो दो सेंटीमीटर का गैप रखेंगे आप इसमें बराबर गैप रखेंगे। ये ध्यान रखना है आपने जब भी ये मार्क करना है, या तो आप एक स्केल ले लीजिए कि एक एक सेंटीमीटर या दो दो सेंटीमीटर का गैप रखना है। ध्यान रखना है ये गैप ये सारे गैप बराबर होने चाहिए। हमें माप के या तो एक एक सेंटीमीटर या दो दो सेंटीमीटर का गैप रखना है। अगर हम ये ग्राफ पे बना रहे हैं दंडालेख तो बनाना ज्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें ऑलरेडी छोटे छोटे स्केयर दिए होते हैं, छोटे छोटे वर्ग दिए होते हैं, उनको हम काउंट करके बराबर गैप रख सकते हैं। अब बच्चों करना क्या है, अब इसमें देखिए हमारे पास जो संख्याएं दे रखी हैं 70, 60, 40, ये दो अंकों की संख्याएं हैं, मतलब इसमें इकाई दहाई है। तो इसमें जब हम एक इकाई लेते हैं इस प्रकार की संख्याओं में, स्केल जब हम लेते हैं, अब हम स्केल लेने जा रहे हैं, स्केल किस प्रकार से चुनते हैं, स्केल हम इस प्रकार से चुनते हैं जो हमें संख्याएं दे रखी हैं वो किस प्रकार की दे रखी हैं, एक अंक की, दो अंक की या तीन अंक की। तो इसमें हमें दो अंकों की संख्या दे रखी है तो हम एक इकाई 10 बच्चे ले लेंगे, मतलब इसमें 10 बच्चों को एक इकाई दर्शा रही है, मतलब यहां पे संख्या दर्शा रही है। अगर मैं यहां पे एक इकाई ले रही हूं तो यहां 10 बच्चे आएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें संख्या दिखानी आसान हो जाएगी। अगर मैं यहां पे संख्या 1, 2, 3, 4 एक इकाई को एक बच्चा लेती तो ये संख्या इतनी बढ़ जाती, हमें इतनी सारी गिनती इसमें लिखनी पड़ती और हमें आलेख बनाने में बहुत समय लगता, और साथ ही साथ हमें तुलना करनी भी आसान नहीं होती। तो इसमें हमने उसी अकॉर्डिंग स्केल ले लिया है, एक इकाई बराबर 10 बच्चे। तो मैं यहां पे पहली इकाई में 10, दूसरी में 20, तीसरी में 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 लिख रही हूं। तो ये तो हो गई बच्चों विद्यार्थियों की संख्या, यहां हमने ली है संख्या। हम हमेशा वाई एक्स पर संख्या लेंगे। तो उसके बाद अब हम ले रहे हैं कक्षा, एक्स अक्ष पर हम दर्शाएंगे जिसकी हमने तुलना करनी है। अब हमें तुलना किस चीज की करनी है, कक्षाओं में कितने विद्यार्थी हैं। तो हम इसमें ले रहे हैं किस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो पहला हम लेते हैं 6। देखिए मैंने यहां पे 6 कक्षा लिखी, अब इसमें ये गैप छोड़ूंगी मैं, फिर 7th, फिर गैप छोड़ूंगी बराबर 8th, फिर गैप छोड़ेंगे 9th, फिर गैप छोड़ेंगे 10th। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने दंडालेख बनाने हैं। दंड आयत के आकार के होते हैं, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें देखिए सबसे पहले 6 कक्षा में 70 बच्चे हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, इनके 70 के समांतर यहां से हम रेखा की आलेख बनाया। इसमें हमने स्केल लिया था एक इकाई बराबर 10 बच्चे। तो यहां पे जो हमने स्केल बनाया है उसकी मदद से जो हमने दंड आलेख बनाया है, आप देख सकते हैं इसमें आपको इधर संख्या देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां पे 100 भी लिखा हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, परंतु दंड आलेख से तुलना करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद अगर हम कहें कि किन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, 6ठी और 9वीं कक्षा में, और किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है, 8वीं कक्षा में सबसे कम है। एक कक्षा के बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के लिए सारणी दी गई है, इस सूचना को दंड आलेख से तुलना करें। बच्चों इसमें हम दंड आलेख की तुलना करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों की संख्या जो है वो एक अंक की संख्या है, 5, 4,
4-2, मतलब इसमें बच्चे कौन कौन सा फल पसंद करते हैं, कितने बच्चे आम पसंद करते हैं, कितने बच्चे सेब पसंद करते हैं, कितने बच्चे केला और कितने बच्चे जामुन, तो इनको किसी एक संख्या से दर्शाया गया है। तो इसमें हमने स्केल इसी अकॉर्डिंग लेना है, यानी एक इकाई बराबर हम एक बच्चा लेंगे। अब आप देखिए इसमें जो हमने ग्राफ बनाया है, एक इकाई बराबर एक बच्चा लिया है। जो हमने दंड आलेख बनाया है इसमें तुलना करना कितना आसान हो गया है, हम सिर्फ दंडों को देख के बता सकते हैं कि कितने बच्चे कौन सा फल ज़्यादा पसंद करते हैं और कितने बच्चे कौन सा फल कम पसंद करते हैं। तो देखिए इसमें हमने वाई अक्ष पर बच्चों की संख्या ली है और एक्स अक्ष पर, क्षैतिज अक्ष पर हमने फल लिए हैं जिनकी हमने तुलना करनी है कि ये कौन सा फल ज़्यादा पसंद किया जाता है। ध्यान रखिए इसमें स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। अब पहला प्रश्न उठता है, कौन सा फल सबसे अधिक बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। तो देखिए आलेख में आम, उसके बाद सेब और केला कितने बच्चों द्वारा पसंद किया गया है, देखते हैं सेब और केला कितने कितने बच्चों द्वारा पसंद किए गए हैं। सब तो देखिए इसमें सेब पसंद किया है 4 बच्चों ने और केला भी 4 बच्चों ने ही पसंद किया है। तीसरा प्रश्न, सबसे कम पसंद आने वाला फल कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, देखिए जामुन, सबसे कम पसंद आने वाला फल जामुन है। तो बच्चों फिर से हम सारणी देख रहे हैं, इस सारणी में अब बच्चों की संख्या अलग अलग दे रखी है, फल वही है आम सेब केला जामुन, बट संख्या चेंज हो चुकी है 40 30 20 और 10। तो इसके लिए हम स्केल जो ले रहे हैं बच्चों, एक इकाई बराबर 5 बच्चे ले रहे हैं। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक इकाई बराबर 5 बच्चे लिए गए हैं, यहाँ हम 5 की बजाय 10 बच्चे लेके भी इसको कर सकते हैं। तो हमने ये किया है 5 बच्चे लेकर, तो देखिए इसमें दंड आलेख बन चुका है। अब अगर हमारे पास बच्चों की संख्या 400 200 300 और 100 हो तो हम स्केल क्या लेंगे, देखिए तो हम स्केल 50 और 100 दोनों ले सकते हैं, एक इकाई बराबर 50 बच्चे भी कर सकते हैं और एक इकाई बराबर 100 बच्चे भी कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, अगले में हमने एक इकाई बराबर 100 बच्चे लिए हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें स्केल की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। अब एक उदाहरण ऐसा भी देखते हैं जिसमें हमने स्केल कुछ इस प्रकार से लिया है कि बच्चों की संख्या 100 में है, सैकड़े में है, और इसमें इकाई हम ले रहे हैं 5 बच्चों के बराबर। तो देखिए ये ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है, ये ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होगा और इसमें तुलना करना भी आसान नहीं होगा। तो बच्चों इसलिए स्केल का बहुत महत्व है। अब स्लाइड में देख रहे हैं आप, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र के अंक दे रखे हैं 4 विषयों के, इसी तरह से उसके द्वितीय सत्र के अंक भी दे रखे हैं। क्या आप किसी मेथड से इनकी तुलना कर सकते हैं कि दोनों की तुलना हम एक साथ देख के कर सकें, सोचिए। क्या हम दोनों की तुलना एक साथ कर सकते हैं, जी इसके लिए दोहरा दंड आलेख होता है। हमें बच्चे के प्रथम सत्र के और द्वितीय सत्र के अंक दे रखे थे, उनको हमने दंड आलेख से दर्शा रखा था, परंतु अलग अलग तुलना करना ज़्यादा आसान नहीं होता। इसकी बजाय यदि हम इसको एक ही आलेख से दर्शा दें, दोहरे दंड आलेख से, तो तुलना करना आसान हो जाता है। देखिए चित्र में आपको एक दंड आलेख नज़र आ रहा है, इसमें दोहरा दंड आलेख है, इसमें दो शेड आपको दिखाए गए हैं, येल्लो और रेड। तो इसमें एक आपको प्रथम सत्र के मार्क्स दिखा रहा है और दूसरा दूसरे सत्र के। तो तुलना करना कितना आसान हो गया देखिए इन दंडों से, कि किस विषय में बच्चे ने प्रथम सत्र में अच्छा किया और किस विषय में द्वितीय सत्र में अच्छा किया। तो यहाँ से कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हिंदी में बच्चे ने द्वितीय सत्र में सुधार किया है, जबकि अंग्रेजी में उसने गिरावट आई है, और गणित में भी सुधार किया है, इसी प्रकार विज्ञान में भी सुधार हुआ है। तो यहाँ से बच्चे के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के अंकों का
कंपैरिजन हो सकता है, तुलना हो सकती है। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। किन विषयों में द्वितीय सत्र में बच्चों के प्रदर्शन में सुधार आया है? तो आलेख देखिए बच्चों, हिंदी, गणित और विज्ञान में द्वितीय सत्र में सुधार आया है, प्रदर्शन में सुधार आया है। किस विषय के प्रदर्शन में द्वितीय सत्र में गिरावट आई है? देखिए आलेख में केवल एक विषय ऐसा है, अंग्रेजी। और किस विषय में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया गया है? आप देख सकते हैं कि दो दंडों में कहाँ अंतर ज़्यादा है, तो ये अंतर ज़्यादा है हिंदी विषय में, 10 अंकों का अंतर है। तो यानी हिंदी में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया गया है। तो बच्चों देखिए कि दोहरे दंड आलेख से हम दो आलेख बनाने की बजाय एक से ही तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों आप ये गतिविधि देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है, हमने एक ये बोर्ड लिया है, इसमें ये आपकी मैथ्स किट में ये बोर्ड अवेलेबल है। इसमें हमने क्या किया है देखिए बच्चों, हमने इसमें ये स्लिप्स बना ली हैं। इसमें हम दंड आलेख से उन आंकड़ों को दर्शा रहे हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे ये एक्स अक्ष को दर्शाया, यहाँ हमने वाई अक्ष को दर्शाया, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, यहाँ पे हमने बच्चों की संख्या लिखी, यहाँ पे हमने कक्षा लिखी, और हमने रबड़ की मदद से यहाँ पे ग्राफ में दर्शा दिया कि यहाँ छठी कक्षा में 700 बच्चे हैं, सातवीं में 600 हैं, आठवीं में 400 बच्चे हैं, इसी प्रकार नौवीं में 700 बच्चे हैं और दसवीं में 1000 बच्चा है। और एक इकाई देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया है, एक इकाई बराबर। तो आप भी इस प्रकार से गतिविधियाँ कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने यहाँ स्केल लिया है, इसमें हमने ये कागज़ की पट्टियाँ आयताकार काट के उनसे हमने ये एक्टिविटी बनाई है। इसमें देखिए फलों के नाम दे रखे हैं, जामुन, अमरूद, सेब और आम, और बच्चों की संख्या दे रखी है कि बच्चे कौन कौन सा फल पसंद करते हैं। तो हम यहाँ से तुलना कर आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से बता सकते हैं कि कौन सा फल बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा आम पसंद करते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे कम जामुन। हमने ये इस दंड आलेख की मदद से देखा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपने आज का लेक्चर ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, और इसका अपनी गणित की पुस्तक से भी अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।